एक्टिंग से इतनी खुशी मिलती है कि आपने क्रिकेट छोड़ दिया आप फास्ट बॉलर थी जहाँ तक हम जानते हैं जी क्रिकेट तो मैं अभी भी संडे को खेलती हूँ पर गली <laughs> क्रिकेट खेलती हूँ फार्मिंग का भी आपने जिक्र किया मैं भी किसान रहा हूँ क्या खेती करती थी आप बचपन मतलब एक एक जनरल तो जब हम वैसे पंद्रह सोलह साल के होते और रिलेटिव्स पूछते हैं, बड़े हो कि क्या बनना है थ्रू एक्टिंग मैं सब कुछ बन पाई मैं पुलिस ऑफिसर बन पाई हूँ <laughs> मैं क्रिकेटर बन पाई हूँ मैं रॉय एजेंट बन पाई हूँ तो इसलिए ये सबसे बेहतरीन प्रोफेशन होता है क्योंकि मिर्जिया जब आने वाली थी उस समय बहुत ही चर्चा में वो फिल्म थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मतलब जो भी उससे डेब्यू करने वाले थे सयामी खेर हमारे साथ अनिल कपूर साहब के बेटे थे हर्षवर्धन बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी पर कहीं ना कहीं फिल्म को नाकाम होने के बाद वो उम्मीदें ठंडी हुई सयामी ये बात हकीक़त है कि आज आप बहुत काम कर रही हैं पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें थी चाहे वो दर्शक हों चाहे वो लॉन्च होने वाले हर्षवर्धन हों या आप हों लगता है कि आपको भी कहीं निराश हुई थी बिल्कुल होती है क्योंकि मतलब इट्स समथिंग कि हम सब मेहनत इतने करते हैं इतने प्यार से पिक्चर बनाते हैं पर वो हमारे हाथ में तो होता नहीं है क्योंकि हम इंटेंशनली तो अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं पर कभी ऑडियंस के साथ रेजोनेट होती है नहीं होती है वो हमारे हाथ में नहीं होता तो निराशी थोड़े वक्त के लिए होती है उसके बाद चलो अब जो हुआ है वो हुआ है अभी नीचे सर नीचे करके अपने आप पर काम करो आगे बढ़ो नहीं तो ज़िंदगी में पीछे ही देखते गए तो क्या फ़ायदा तो आगे बढ़ना चाहिए आगे देखना चाहिए तो अब हमें पता चला है और हम देख रहे हैं कि अब ऊपर आ रहा है आपका करियर ग्राफ कहीं ना कहीं बहुत सारा आप काम कर रही हैं अश्विन अयर तिवारी हो बालकी हों अनुराग कश्यप जैसे लोग हों तो अब लग रहा होगा कि हाँ यार जो एक शुरुआत हुई थी भले ठंडी रही हो लेकिन अब वो स्पीड पकड़ रही है मुझे तो मेरे शुरुआत से बहुत प्राइड है मुझे वो पिक्चर लोगों को कनेक्ट हुई नहीं नहीं हुई मुझे बहुत सिखा के गई क्योंकि आई फील फेलियर बहुत सिखा के जाता है और मिर्ज़ा के साथ गुलजार साहब से मेरी दोस्ती हुई राकेश ओम प्रकाश मेरा मेरे फैमिली मेम्बर जैसे बन गए हैं तो मुझे उस फिल्म से काफ़ी कुछ मिला और अभी भी जब अगर मैं देखती हूँ कि मिर्ज़ा के बाद पिक्चर चली नहीं पर उसके बाद ही अनुराग कश्यप ने मुझे चोक टॉफर की तो वैलिडेशन सा लगता है कि इतने बड़े फिल्म मेकर ट्रस्ट कर रहे हैं मुझ पर या फिर बालकी सर हो राज एन डी के हो नीरज पांडे हो और अश्विनी अयर तिवारी हो पाँच छः सालों में इतने बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने में कुछ वैलिडेशन मिला है कि ठीक ठाक पटरी पर लाइफ मतलब लाइफ ठीक ठाक पटरी पर है अश्विनी अयर तिवारी के साथ आप काम कर रही हैं क्या है वो फिल्म अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं तो वो एक्चुअली एक सोनी लिव पर शो है जिसका नाम है फाड़ू अ लव स्टोरी नौ दिसंबर को रिलीज़ हो रही है ये आ, सौम्या जोशी सर ने लिखी है ये गुजराती प्ले राइट और डायरेक्टर हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी है क्योंकि आजकल हम क्राइम थ्रिलर्स ज़्यादा देखते हैं ये पहली लव स्टोरी है जो लॉन्गर फॉर्मेट में दि, 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 दिखाई दे रही है पवेल गुलाटी मेरे को स्टार है मैं एक छोटे गांव कोंकण के छोटे गांव से बम्बई आती हूँ उनसे मोहब्बत होती है और फिर उन दोनों की जर्नी क्या होती है उसके बारे में और अभिषेक बच्चन के साथ मैंने सुना है क्या फ़ैन हो गई हैं अभिषेक की जी बिल्कुल जो जब आप इतने बड़े नाम के साथ काम करते हो ऐसे प्री कंसीव नोशन होती है कि ये बहुत बड़े स्टार है पर अभिषेक इतने इतने हम्बल है इतने प्रिपेयर्ड है इतने सिक्योर है कि उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है मैं अभी उनके साथ मैंने ब्रीद दो सीज़न्स किए हैं और बाल की सर की फ़िल्म घूमर आएगी अगले साल तो बहुत उनसे सीखने को मिला है आ, सपना हर किसी का होता है कि वो बड़े पर्दे के लिए काम करे ज़ाहिर शुरुआत आपकी वैसे हुई अब आप ओ पर कई फिल्में कर रही हैं क्या मानती है कि ओ पर करो या बड़े पर्दे पर काम करो है एक्टिंग ही या फिर सपना वही है कि यार बड़े पर्दे पे पर ही ज़्यादा काम करना है जी मेरा सपना था एक्टिंग करना अच्छा। वो सपना नहीं था कि बड़े पर्दे पे छोटे पर्दे पे प्लेज करने में स्मॉल फिल्म्स करने में सपना था एक्टिंग करना है तो कहीं भी जहां मुझे मौका मिलेगा मैं वहां खुशी आ, मिल जाएगी मुझे तो ओ ने बहुत बड़ी एक जो वाइड थी बहुत बड़े एवेन्यूज खोले एक्टर्स मेरे किस्म के एक्टर्स के लिए तो ओ पर आए या बड़े पर्दे पर, पर आए आप मुझे एक चैलेंजिंग रोल दो उससे मुझे खुशी मिलती है एक्टिंग से इतनी खुशी मिलती है कि आपने क्रिकेट छोड़ दिया आप फास्ट बॉलर थी जहाँ तक हम जानते हैं जी क्रिकेट तो मैं अभी भी संडेज़ को खेलती हूँ पर गली <laughs> क्रिकेट खेलती हूँ पर जी एक्टिंग ने बहुत बहुत ज़्यादा खुशी दी है और बालकी सर की फिल्म में आप दोनों वो पैशन्स एक साथ आ गए क्योंकि मैं क्रिकेटर का रोल प्ले कर रही हूँ तो मेरा एक ड्रीम रोल था तो उसमें बहुत एक्साइटमेंट थी पर जी एक्टिंग से बहुत खुशी हाँ, मतलब पर, पर्दे पर क्रिकेट खेलने को मिल रहा और है और अभिषेक आपके कोच हैं शायद जी बिल्कुल रियल लाइफ में देखिए क्रिकेट भी बहुत ही लोकप्रियता देती है आप स्पोर्ट्स से रही हैं तो आपका क्या मतलब होता ना कि यार मुझे बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है या क्रिकेट खेलते खेलते ही लग रहा था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है नहीं बचपन से मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी क्योंकि मैं नासिक में पली बड़ी हूँ बहुत सारी स्पोर्ट्स खेलती थी रेस्टोरेंट में काम करती थी फार्मिंग करती थी तो जब हम वैसे पंद्रह सोलह साल के होते और रिलेटिव्स पूछते बड़े हो के क्या बनना है तो मुझे मेरे पास आंसर नहीं होता था मैं कभी कहती थी चलो आर्किटेक्ट बन जाऊंगी मैं कभी कहती थी मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊँगी तो ऐसे मैं आंसर देती थी, थी तो एक्टिंग के थ्रू uh, एक्टिंग मैं सब कुछ बन पाई मैं पुलिस ऑफिसर बन पाई हूँ <laughs> मैं क्रिकेटर बन पाई हूँ मैं रॉय एजेंट बन पाई हूँ तो इसलिए ये सबसे बेहतरीन प्रोफेशन होता है क्योंकि आप सब कुछ बन जाते हो वो तीन महीनों के लिए वो ज़िंदगी जीते हो फार्मिंग का भी आपने जिक्र किया मैं भी किसान रहा हूँ क्या खेती करती थी आप बचपन मतलब एक एक जनरल जनरल हमारा एक आम का खेत है तो वहाँ पर 300 पौधे हैं तो वो बचपन में हमने ही लगाए थे 300 पौधे और भिंडी उगाई है हमारे घर में और अनियन उगाए हैं स्ट्रॉबेरी उगाए तो काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। है, खुद से पौधा अगर लगा और वो जब फल देता है तो उसे तोड़ने में और उसे खाने में कुछ अलग स्वाद होता है जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कुछ फिल्मों में फिल्मों से होता है कि हम हम खुद बनाते हैं हम खुद इतना सब कुछ करते हैं और जब ऑडियंसिस के साथ शेयर करते हैं और उनकी खुशी दिखती है वही जब हम पौधे से कुछ निकाल के खाते हैं वही खुशी फिल्मों से मिलती है तो अब आप संतुष्ट हैं अपने करियर से जिस तरह से चल रहे हैं जी संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए नहीं तो हम लेटबैक हो जाते हैं संतुष्ट तो मैं कभी नहीं रहूँगी क्योंकि अभी इतना काम किया है अभी और ज़्यादा करना है और फिर उससे ज़्यादा करना है तो ख्वाब तो वही होता है चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सयामी यू ऑल बेस्ट थैंक यू थैंक यू सो मच